ओके सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एफसीसी यूनिट सेल के बारे में बात किया था, तो अब उसी से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन एक एक्चुअल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये आपको मिल जाएगा जेई के एक्सरसाइज में। ठीक है, सो दिस इज एन एक्चुअल जेई क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन में करना क्या है कि कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं कॉलम वन में। कॉलम वन में वी हैव बीन गिवन सम अरेंजमेंट्स, ठीक है। जैसे ये तीन वॉल्स एक सबको टच कर रही हैं और फिर उसके नीचे ये तीन वॉल्स हैं, है ना। ये टच कर रही हैं आपस में, एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। फिर बी में क्या है, एक स्क्वायर जैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। सी में एक बीच में बॉल है और उसके कॉर्नर पे चारों बॉल है, ये आपस में टच नहीं कर रही है लेकिन अलोंग द लाइन टच कर रही है। और डी में एक हेक्सागोनल लेयर वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ये चार अरेंजमेंट्स हमें दिए हुए हैं। और कॉलम टू में पी क्यू आर एंड एस में हमें एफ सी सी यूनिट सेल में कुछ प्लेन शेड करके दिए हुए हैं। एफ सी सी यूनिट सेल है ऐसा लिखा हुआ है और कुछ प्लेन शेड किए हुए हैं, सम प्लेन्स हैव बीन शेडेड। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें काम ये करना है कि हमें करेक्ट अरेंजमेंट को करेक्ट प्लेन के साथ मैच करना है। मतलब अज्यूमिंग कि ये यूनिट सेल एक एफ सी सी यूनिट सेल है, तो इसमें किस प्लेन में कौन सा अरेंजमेंट हमें दिख रहा होगा, ये चीज हमें करनी है। तो अब इसमें से देखिए, इसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है वो हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। सी वाला अरेंजमेंट आपकी आंखों के सामने आया था जब मैंने एफसीसी का टॉप व्यू ऑफ द फेस बनाया था, ठीक है। जब मैं ए और आर का रिलेशन कैलकुलेट कर रहा था तो टॉप व्यू ऑफ द फेस मैंने बनाया था तो सी था। तो इसलिए मैं सी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सी का आंसर हम लोग को सबसे पहले मिल जाएगा। सी विल बी पी, ठीक है। ये ऐसा अरेंजमेंट हमें कहाँ मिलेगा, पी में मिल जाएगा। पी इज द फेस। तो इस फेस में भाई क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक आई एम जस्ट ड्रॉइंग द लैटिस पॉइंट्स, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक बीच में होगा। तो इनके बीच में अलोंग द फेस डायगनल कॉन्टैक्ट होगा, इनके बीच में अलोंग द फेस डायगनल कॉन्टैक्ट होगा, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो सी विल बी पी। अच्छा, फिर बी में अगर देखें तो स्क्वायर नजर आ रहा है, तो स्क्वायर जो फॉर्म हो रहा होगा वो एस के साथ फॉर्म हो रहा होगा, तो बी विल मैच विद एस। बी जो है दैट विल मैच विद एस। कैसे, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये एक फेस सेंटर है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर है, ये सामने वाले फेस का सेंटर है, ये राइट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर है और ये पीछे वाले फेस का सेंटर है। तो ये चारों फेस सेंटर को एक क्यूब में, थोड़ा कमरे में भी जहां बैठे हैं वहां आप सोच के देखिए विजुलाइज करके, तो एडजेसेंट फेस सेंटर से एक दूसरे को टच करते हैं बच्चों। तो ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है, ये सब एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहे हैं और इन सबको आप जोड़ देंगे, क्यूब के मिड पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट अ स्क्वायर। इसलिए बी जो है वो एस के साथ मैच होगा। अच्छा, जहां तक बात ए की है तो ए विल मैच विथ क्यू, ए विल मैच विथ क्यू, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए क्यू वाला प्लेन कौन सा है। तो क्यू वाले प्लेन में, अच्छा ये एफ सी सी है, तो एफ सी सी है तो बॉडी सेंटर पे कुछ नहीं है, एफ सी सी में कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे होता है। तो एक पार्टिकल यहां पर होगा, एक पार्टिकल यहां पर होगा और एक पार्टिकल यहां पर होगा। तो ये तीनों अलोंग द फेस डायगनल एक सबसे कॉन्टैक्ट में है और ये एक लाइन बना रहे होंगे, ये तीन पार्टिकल्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, दे विल बी इन अ लाइन। और एक यहां पर होगा नीचे, एक इस फेस के सेंटर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा। तो ये तीनों भी जो है वो आपस में एक लाइन बना रहे होंगे, ठीक है। और इसके इसके बीच में, इसके और इसके बीच में और ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा क्योंकि अलोंग द कॉर्नर कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ऑपोजिट फेस सेंटर के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ए जो है वो आपका मैच कर जाएगा किसके साथ, क्यू के साथ मैच कर जाएगा। ये तीन पार्टिकल यहाँ पे हो गए और ये तीन पार्टिकल यहाँ पे और हो गए, ठीक है। तो ये एक लाइन में होगा, ये एक लाइन में होगा। एंड फाइनली बचा डी। सो डी के लिए एक ही ऑप्शन अब रह जा रहा है, डी विल मैच विथ आर। देखिए डी जो है वो एक हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है, एक लेयर का अरेंजमेंट है, 2D की हेक्सागोनल लेयर है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने एफ सी सी में ए बी और फिर ये इस तरह से पीछे वाला सी और फिर ए, तो ए बी सी ए लेयर्स आइडेंटिफाई करी थी एफसीसी में। तो ये वाला पार्टिकल मतलब इसको अगर आप इस बी के अलोंग देखोगे, है ना, दिस वाज बी,
तो इस बी के अलॉन्ग अगर इसे देखोगे तो ये एक हेक्सागोनल लेयर ही तो है 2D में, ठीक है। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, फिर ये वाला पार्टिकल, और ये नीचे वाले फेस का सेंटर, ये कॉर्नर, सामने वाले फेस का सेंटर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस का सेंटर, ये नीचे फेस का सेंटर, और ये यहाँ पर कॉर्नर। तो ये बी लेयर है आपकी, सो दिस विल बी अ हेक्सागोनल लेयर। तो ये हमने सभी ऑप्शंस को यहाँ पर मैच कराया। दिस वाज एन एक्चुअल क्वेश्चन जो एक बार पहले जेई में पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है और सवालों में आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। तो डेंसिटी क्या होता है ये तो आप खैर पहले से ही जानते हो, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी के लिए जो मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताने जा रहा हूं, जैसे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के सवाल कैसे करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के सवाल करने के लिए भाई हमको क्या करना होता है, डेंसिटी का बेसिक मीनिंग होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमने एक यूनिट सेल आइडेंटिफाई करी और एक यूनिट सेल को पढ़ा, और वही यूनिट सेल बार 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 रिपीट हो रही है, तो यूनिट सेल उस पूरे सॉलिड का एक छोटा हिस्सा है। और ये बात हमें काफी पहले से भी मालूम है कि डेंसिटी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप यूनिट सेल 1 लो, 2 लो, 10,000 लो, 10 करोड़ लो, कितना बड़ा भी सॉलिड आप ले लो, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम, बिकॉज डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हम लोग एक यूनिट सेल को लेके बात करेंगे, जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की भी डेंसिटी होगी। सो डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक काम करना है, फंडामेंटल काम ये करना होता है बच्चों, कि हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द, मतलब ये डिवाइडेड का साइन है, सॉरी, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, ये बेसिक काम करना है आपको, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, फिर डेंसिटी के लिए एक फॉर्मूला भी बहुत सारी किताबों में दिया रहता है, जेड इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। लेकिन ये फॉर्मूला कभी कभी वैलिड होता है लेकिन हमेशा वैलिड नहीं भी होता है, तो इसलिए मैं चाहूंगा आप इस फॉर्मूले को याद तो रखें, लेकिन ये कहाँ से आता है, इसका क्या मतलब है, ये मैं डायरेक्टली आपको कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ, तो वहां से आपको एकदम एग्जैक्टली इस बात की हिंट लग जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बेस्ड अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अ सॉलिड क्रिस्टलाइजेस, कोई सॉलिड है जो अपना सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और उस क्यूबिक यूनिट सेल का बीसीसी यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और जो एज लेंथ है वो है 2 एंगस्ट्रॉम्स, इट इज 2 एंगस्ट्रॉम्स। द मोलर मास ऑफ द सॉलिड इज 20 ग्राम पर मोल, और हमको निकालना है डेंसिटी एक बार ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और एक बार एएमयू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब में, ठीक है। तो आइए हम लोग जो बेसिक मीनिंग है डेंसिटी का, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उस तरह से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। और उसी अप्रोच में हमें जो हमने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, जेड इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज एन ए ओवर हियर, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, जेड इज द मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एम इज द मोलर मास, एंड ए इज द यू कैन से द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगेन मैं चाहूंगा आप ऐसे रोटली फॉर्मूला नहीं रिमेम्बर करें, क्योंकि हमेशा ये काम नहीं करेगा। तो कब काम करेगा कब नहीं करेगा, ये जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर वन पहले। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ स्टूडेंट्स, पहले सिचुएशन में हमको डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। तो अगर मुझे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो इसके लिए ये बात जरूरी हो जाती है कि मैं मास को सब्स्टिट्यूट करूं ग्राम में और वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट करूं सेंटीमीटर क्यूब में। बहुत ही कॉमन सेंस की बात मैंने बोली है, इसको ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में जब मैं डालूंगा तभी तो डेंसिटी इस यूनिट में है, ठीक है। तो आइए ये काम करते हैं। तो मास के लिए, अब देखिए बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड का वैल्यू हम लोग को मालूम है 2 होता है,
ठीक है, फिर से नहीं बताया जाएगा क्योंकि पहले बताया जा चुका है। तो जेड इज टू, इफेक्टिवली टू एटम्स हैं पर यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में अगर दो एटम्स हैं तो उनका मास कितना है ग्राम में? टू इंटू 20 डिवाइडेड बाय लेट अस से एनए की वैल्यू 6 × 10⁻²। तो ये मास मैंने डाला ग्राम में। देखिए मोलर मास 20 ग्राम पर मोल है, तो ये तो एक मोल पार्टिकल्स का मास है ना। दिस 20 ग्राम इज द मास ऑफ 6.02 × 10⁻²³ पार्टिकल्स ऑफ ए। मान लेते हैं उसको 6 मान लेते हैं बार के लिए, 6.02 को। तो ये एक मोल पार्टिकल्स का मास है ग्राम में। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? 20 / NA, एक पार्टिकल का मास 20 / NA होगा, ठीक है। और यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं? दो हैं, सो उसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये मास ऑफ यूनिट सेल आ गया इन ग्राम। डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है बच्चों? डिवाइडेड बाय मुझे करना है द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को क्यूब का वॉल्यूम लिखना है हमें। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ए की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अगर वो 2 एंगस्ट्रॉम है तो उसे मुझे 2 × 10⁻²⁸ सेंटीमीटर पुट करना पड़ेगा और इसका क्यूब करना पड़ेगा। माइनस एट रहेगा, 10 मत बोल देना, माइनस 10 मत बोल देना, क्योंकि वो मीटर के लिए होता है, ठीक है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻²⁸ सेंटीमीटर। ये जो लोग मुझसे शुरू से डे वन से पढ़ रहे हैं, ये सब बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में खूब होती थी, ठीक है। सो 2 × 10⁻²⁸ ये आ जाएगा। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 2 × 20 / 6 × 2 का क्यूब करूंगा 8 आ जाएगा, इंटू 10⁻²³, और ये बनेगा -24। सो -24 और +23 विल बी -1, सो दिस विल बी 10⁻²⁻¹, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब ये 10 की मार -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा थोड़ा कैंसिल आउट वगैरह कर दिया जाए, तो ये 2 से कट गया 4 और 4 से ये कट गया 5, ठीक है। ये ऊपर जाके बन जाएगा 50, 50/6 विल बी 25/3, 25/3 will be equals to 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने डेंसिटी निकाली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। एंड आई होप आप उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी देख पा रहे हो, जेड इंटू मोलर मास अपॉन एन ए इंटू ए। सो दिस एक्सप्लेन्स यू द फॉर्मूला कि यहाँ पे ठीक है लग रहा है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट को देखते। चलिए तो अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या करना है कि हमको निकालनी अभी भी डेंसिटी ही है, बट दिस टाइम द यूनिट इज एएमयू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब। तो डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम ही हम लोग करेंगे, बट अगर हमें एएमयू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब में निकालनी है तो मास को हम लोग पुट करेंगे एएमयू में और वॉल्यूम को मुझे डालना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम क्यूब में, तभी ये एएमयू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब में आएगा। बहुत कॉमन सेंस का बात है, ठीक है। तो अब एक यूनिट सेल का मास सब्स्टिट्यूट करना है इन एएमयू। अच्छा बेटा, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं? देयर आर 2 पार्टिकल्स। एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स, ओके। और एक पार्टिकल का मास कितना है? एक पार्टिकल का मास है 20 AMU। अगर आपको मोल कंसेप्ट याद आ रहा हो तो वहां पे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि RM के आगे अगर हम लोग AMU लगाते हैं, जैसे हीलियम के लिए 4 AMU, कार्बन के लिए 12 AMU, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU एंड सो ऑन। सो RM के आगे अगर AMU लगाते हैं तो वी गेट एटॉमिक मास विच इज द मास ऑफ 1 पार्टिकल, ओके। और RM के आगे अगर हम लोग ग्राम लगाते हैं तो वी गेट द मोलर मास विच इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर मोलर मास 20 ग्राम है तो एटॉमिक मास 20 AMU हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और एटॉमिक मास अगर 20 AMU है तो एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग 2 × 20 कर देंगे। और वॉल्यूम जो है वो कितनी है? 2 एंगस्ट्रॉम है, तो 2 एंगस्ट्रॉम का हम लोग क्यूब कर देंगे, मतलब एज लेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है तो 2 एंगस्ट्रॉम का क्यूब करेंगे। और एक का मास है 20 AMU, सो 2 है तो 2 × 20 AMU
सो दिस विल बी 40 AMU, ठीक है, और 40 AMU अपॉन 2 क्यूब विल बी 8 angstrom क्यूब, सो दिस विल गिव मी द आंसर एज 5 AMU पर एंगस्ट्रॉम क्यूब। तो देखिए अब यहां पे ऐसे नहीं कि आग बंद करके हर जगह उठा के आपको एन ए लगा देना है, तो वो एन ए क्यों आ रहा था जब तक उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा तब तक ये बात नहीं क्लियर होगी कब एन ए यूज करना है और कब एन ए यूज नहीं करना। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। यहां से 2 × 20 AMU ये मास हो गया और 2 angstroms, ठीक है, सो 2 × 20 AMU मास 40 हो गया और ये 8 हो गया, सो 40/8 इज 5 AMU पर एंगस्ट्रॉम क्यूब। ओके, तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहां पर, अगेन बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक सिस्टम विद एज लेंथ 4 angstrom, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 27/16 AMU पर एंगस्ट्रॉम क्यूब, फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास ये पता होना चाहिए, वैसे खैर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये 27 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता है कि क्यूबिक है, लेकिन कौन सा क्यूबिक है ये नहीं पता। क्यूबिक में हमारे पास टोटल 3 सिस्टम होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो लिख के बैठ जाते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, फिर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 27/16 AMU अपॉन एंगस्ट्रॉम क्यूब, ठीक है, यूनिट्स पे खास गौर करिए। मास ऑफ द यूनिट सेल मुझे एएमयू में डालना है, तो अब मुझे ये तो पता नहीं है कौन सा क्यूबिक है, तो मैं मान लेता हूं कि उसका कुछ जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होगा वो लेट अस से जेड होगा, तो मैंने उसको जेड बोल दिया। ओके, तो जेड इनटू उसका मास कितना हो गया, 27 हो गया, है ना, एल्यूमिनियम का मास 27 है, सो जेड इंटू 27 AMU, दिस इज द मास अपॉन द यूनिट सेल का 4 angstrom दिया हुआ है, तो आप क्यूब करेंगे तो ये 64 angstrom³ आ जाएगा। तो अब अगर यूनिट्स पे थोड़ा फोकस किया जाए तो AMU गेट्स कैंसिल्ड आउट, angstrom³ गेट्स कैंसिल्ड आउट, 27 से 27 गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड 16 से 64 गेट्स कैंसिल्ड आउट 4 times, तो इसका मतलब z इक्वल्स टू 4 है। और अगर z इक्वल्स टू 4 है तो इसका मीनिंग ये निकला कि ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हमको क्या करना होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, रेडियस निकालना है, तो हमको फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ए और आर वाला रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो पार्टिकल्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है वो अलोंग द फेस डायगनल होता है, और इसलिए हम लोग रिलेशन लिखते हैं ए रूट टू equals to 4R, ऐसा रिलेशन हमने पहले लिखा हुआ है। तो यहां से a की वैल्यू जो है root 2 से इसको काटेंगे तो 2√2R आ जाएगी, ये काम भी पहले किया हुआ है। So this is the relation between a and r. Now the value of a is known to us. a की वैल्यू हमें known है, कितनी है, 4 angstrom है, तो a की जगह 4 पुट कर दो, a की जगह पे 4 पुट कर दिया, equals to 2√2R हो गया, तो वेरी इजिली ये सॉल्व हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 times, and 2/√2 will be √2. So r को आप √2 angstrom बोल सकते हो, या फिर √2 की वैल्यू पुट करके 1.414 angstrom, ये भी आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक और अच्छा सवाल था बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड वॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई वॉइड्स पढ़ने की जरूरत क्या है, तो जैसा कि मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं कि अभी तक आपने जो भी पैकिंग पढ़ी है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक, व्हाटएवर, तो अभी तक आपने जो भी पैकिंग पढ़ी है वो सारी पैकिंग थी तब व्हेन ऑल द पार्टिकल्स वर ऑफ द सेम साइज, सभी पार्टिकल्स का, सभी बॉल्स का, जो भी आप अज्यूम कर रहे थे उन सबका रेडियस आर के बराबर था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द पैकिंग इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। वॉट आर आयनिक सॉलिड्स, जहां पर एक कटायन होता है और एक अनायन होता है, और कटायन और अनायन के जो साइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, कटायन एंड अनायन हैव डिफरेंट साइजेस। सो जब हम आयनिक सॉलिड्स में पैकिंग या आयनिक सॉलिड्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर
दो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होंगे। जनरली जो बिगर पार्टिकल है वो अनायन होगा और जो स्मॉलर पार्टिकल है वो कटायन होगा। जनरली अनायन बड़ा होता है और कटायन स्मॉलर इन साइज होता है, ऐसा आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इन सब चैप्टर्स में भी सुना होगा पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बिगर पार्टिकल है विच विल मोस्टली नॉट ऑलवेज बट मोस्टली इट विल बी द अनायन, सो दैट विल फॉर्म अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एंड वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद हमने देखा है कि मैक्सिमम 74% तक ही पैकिंग एफिशिएंसी हो सकती है, तो यानी कि कुछ वेकेंट स्पेस तो अभी भी है। तो अब जो छोटा वाला पार्टिकल है वो चुपके चुपके से जाके उन छोटी वाली जो वेकेंट स्पेसेस हैं, जो खाली जगह अभी भी बची हुई है, उनमें जाकर के वो घुस जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि उस खाली जगह का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, और उस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं वॉइड्स। सो वॉट आर वॉइड्स? Voids are the vacant spaces present in an arrangement, ठीक है। तो हमको जब पता होगा ठीक से कि ये छोटी जगह जो मैं बार बार बोल रहा हूं ये empty space कहां पर है, ठीक है, ये empty space कहां पर है, तभी हम decide कर पाएंगे कि वो smaller particle कहां पर जाना चाहिए। तो first of all we need to analyze that empty space which is present in an arrangement. So voids are vacant spaces present in an arrangement. किसी भी arrangement में जो खाली spaces पड़े हुए हैं, क्योंकि close packing के बाद भी कुछ ना कुछ जगह खाली है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं vacant spaces. Formally they are called as voids. ठीक है। तो अब जैसे हम लोग अपना packing का concept जब build up कर रहे थे, तो हमने 1D से 2D, 2D से 3D इस तरह से धीरे-धीरे start किया था। तो हम अपनी वॉइड्स की पढ़ाई भी उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट वॉइड्स इन 1D। सबसे पहले बात करते हैं वॉइड्स इन 1D के बारे में। तो 1D में वॉइड कैसे आ पाएगी भाई? 1D में जो अरेंजमेंट होता था उसमें आप लूज अरेंजमेंट कर दो 1D वाला, बड़े वाले पार्टिकल्स को, ठीक है, तो उनको लूज अरेंजमेंट करो। क्लोज पैक कर दोगे तब तो बीच में जगह नहीं देंगे, तो एक लूज अरेंजमेंट करिए जहां पे बॉल एक दूसरे से दूर दूर है, और ये अगर दूर दूर है तो इनके बीच में कोई और छोटा पार्टिकल यहाँ पे आके एंटर कर सकता है, ठीक है। ये छोटा पार्टिकल यहाँ पे आके एंटर कर गया, सो दिस इज वॉइड्स इन 1D। ये जो खाली जगह यहाँ पे आई है, और जैसे हम लोग पार्टिकल के लिए सेंटर खाली दिखाया करते थे, वैसे ही हम लोग वॉइड के लिए भी मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ सेंटर दिखाएंगे। जैसे लैटिस पॉइंट पार्टिकल के सेंटर को दिखाता था, उसी तरह से वॉइड का भी हम खाली सेंटर पॉइंट दिखाया करेंगे, बार बार पार्टिकल्स नहीं बनाया करेंगे, ठीक है। तो दिस इज वॉइड इन 2D, सॉरी दिस इज वॉइड इन 1D, ठीक है। और इसे हम लोग टू कोऑर्डिनेट वॉइड भी बोलते हैं। टू कोऑर्डिनेट वॉइड नाम इसलिए पड़ा इसका, टू कोऑर्डिनेट वॉइड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो छोटा पार्टिकल आ रहा है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विथ टू पार्टिकल्स, बिगर पार्टिकल्स। तो ये जो छोटी वाली लाल वाली बॉल है, ये ब्लैक वाली बिगर दो बॉल्स को टच कर रही है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, एंड दिस इज अ टू कोऑर्डिनेट वॉइड आल्सो कॉल्ड एज अ लीनियर वॉइड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है इसलिए इसे लीनियर वॉइड बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो 1D में इस तरह से वॉइड आ सकती है। अच्छा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट वॉइड्स इन 2D, 2D की वॉइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2D में जो वॉइड बनती है बच्चों, वो बनती है एक ट्रायंगुलर वॉइड। 2D वाली जो वॉइड है दैट इज अ ट्रायंगुलर वॉइड, जैसे वो लीनियर थी ये है ट्रायंगुलर, ओके। सो 2D की वॉइड इज अ ट्रायंगुलर वॉइड। अगर आपको याद आ रहा हो जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पे मैं बार बार लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल कर रहा था, तो ये जो लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल है यही ट्रायंगुलर वॉइड्स है। And it is a three coordinate void. इसका coordination number is equals to 3 के बराबर, so it is a three coordinate void. Okay? अच्छा, अब कैसी होगी triangular void? देखिए, triangular void को अगर हम लोग बनाएं, तो ये बड़े वाले particles आप 3 रख दीजिए in the form of a triangle. तो ये आपने 3 बड़े वाले particles रख दिए। अब इनको place करने के बाद जो बीच में आपको
ठीक है, इनको प्लेस करने के बाद जो बीच में आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, दैट वेकेंट स्पेस, ठीक है, जहां पर कोई और एक छोटा पार्टिकल आ सकता है, ये वाली जगह की बात कर रहा हूं, दिस वेकेंट स्पेस इज अ ट्रायंगुलर वॉइड, ओके। और इसको थ्री कोऑर्डिनेट मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये छोटा वाला पार्टिकल तीन बड़े वाले पार्टिकल्स को टच कर रहा है। तो इसका अगर मैं आपको एक और बेटर फिगर दिखाऊं, ठीक है, तो उस बेटर फिगर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज अ व्हाट, ये एक आपको ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई दे रही है, तीन बड़े वाले पार्टिकल्स हैं और इनके बीच वाली जगह में यहाँ पर एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है। सो सच अ वॉइड इज नोन एज ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, ओके, एंड इट इज अ थ्री कोऑर्डिनेट वॉइड। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम निकालते हैं इसका कि इसमें मैक्सिमम कितनी साइज का पार्टिकल फिट आ सकता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसे आपको समझना है। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस वॉइड के अंदर ये जो छोटा पार्टिकल आया, इसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट से बड़ा होगा, सो दैट विल लीड टू एक्सपेंशन ऑफ द वॉइड, जिसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, एक्सपेंशन, डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो अभी और उसका मीनिंग समझाता हूं। अभी मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल, इनको ध्यान से देखिए, इन तीनों के सेंटर्स को बेटा मैंने ज्वाइन किया। तो ये आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। मैं इसको अलग से बना दे रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लंबाई है दिस विल बी 2r, ये वाली जो लंबाई है दिस विल ऑल्सो बी 2r, और ये वाली जो लंबाई है दिस विल ऑल्सो बी 2r। फिर ये जो स्मॉलर पार्टिकल है, दिस विल बी प्रेजेंट, इसका सेंटर विल बी प्रेजेंट एट द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका सेंटर एट द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ये मान लीजिए सेंट्रोइड हो गया इसका, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी की बात कर रहा हूं। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर आपको समझ में आ गया होगा, बड़े वाले पार्टिकल का रेडियस है, स्मॉल आर छोटे वाले पार्टिकल का रेडियस है, और इक्विलेटर ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर मीडियन सब सेम ही होते हैं, है ना। तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट भी कर देगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और यहां से अगर आप परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, आप यहां से परपेंडिकुलर अगर गिराएंगे तो ये परपेंडिकुलर यहां पे आके पड़ेगा, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा बेटा, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, मतलब ये पूरा 2r था, तो ये यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी r। एक बार मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, तो मैं इस वाली लंबाई की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, इस लंबाई को मैंने आर बोला है, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या करोगे आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दो कि कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, सो दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो √3/2, फिर से लिख ले रहे हैं एक बार, कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सो दिस इज इक्वल्स टू √√3r माइनस, सॉरी, प्लस √3r इज इक्वल्स टू 2R, एंड दिस इज इक्वल्स टू √3r इज इक्वल्स टू 2 √3, इस वाली चीज को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, इनटू कैपिटल आर। और इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू तुम्हें याद भी करनी है, दिस विल बी 0.155 times कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू, ये सॉल्व करके पूरा वैल्यू पुट करके देखना, ये आ जाएगा, इसको याद भी करना है ना, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया जल्दी से, और आपको भी याद करना है, ठीक है। तो 0.155 आर आ रहा है, तो मतलब इस बात का क्या निकला कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल कैन बी मैक्सिमम 0.155 times द रेडियस ऑफ द
बिगर पार्टिकल, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू अगर 0.155 टाइम्स कैपिटल आर है तो दिस इज द मैक्सिमम साइज जो इस अरेंजमेंट में, इस वॉइड में फिट आ सकता है विदाउट कॉजिंग डिस्टॉर्शन और विदाउट कॉजिंग एक्सपेंशन ऑफ द लैटिस, ठीक है। मतलब अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0.155 आर हुई तो ये परफेक्टली इसके अंदर फिट हो जाएगा, मतलब इन तीनों बॉल्स को जस्ट टच कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है परफेक्ट फिट वाली सिचुएशन, दिस इज परफेक्ट फिट, ओके, दिस इज परफेक्ट फिट। लेकिन लेकिन अगर स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.155 आर हुई तो क्या होगा, तो ऐसे केस में लैटिस एक्सपैंड कर जाएगा। जैसे तुम खुद सोचो ना कि अगर ये छोटा वाला पार्टिकल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है तो ये बड़े वाले बॉल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे ना, ठीक है। मतलब ये इस वाली कंडीशन में 0.155 में परफेक्टली फिट आ रहा है, तो और उसका साइज अगर तुम इंक्रीज कर दोगे तो इंक्रीज करने पे तुम्हें सिचुएशन कुछ ऐसी लगेगी कि ये बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो चुका है अभी, ठीक है, इस तरह से दूर दूर चले गए, और इनके बीच में कौन आके बैठ गया, स्मॉलर पार्टिकल तो है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन लगेगी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या फिर और डिस्टॉर्शन ऑफ लैटिस, एक्सपेंशन और डिस्टॉर्शन ऑफ लैटिस, ये नाम देते हैं इसको, ठीक है, एक्सपेंशन और डिस्टॉर्शन ऑफ लैटिस। लेकिन ये बात आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि ये डिस्टॉर्शन नाम सुन के क्या बच्चे थोड़ा सा मन में एक इसके लिए एक नेगेटिव, मतलब थोड़ा जो लोग फिर से, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, साइंस को बहुत इमोशनल होके नहीं पढ़ना चाहिए, तो कुछ लोग जो थोड़ा सा इमोशनली होके सोचते हैं कि एक्सपेंशन डिस्टॉर्शन हो रहा है सर, ये तो मतलब नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है, अच्छा काम नहीं हो रहा है ये, अच्छा नहीं होना चाहिए, तो फिर से यहाँ कोई अच्छाई बुराई जैसी बात ही नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिस्टॉर्शन इज अ फेवरेबल थिंग बिकॉज इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, तो ये डिस्टॉर्शन होता है और इनफैक्ट मैं यहां तक बोलूंगा कि हमेशा होता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, तुम पूछोगे क्या हो गया सर, ऐसा क्या फायदा हो गया, तो फायदा ये हुआ भैया कि अभी इन पार्टिकल्स को तुम न्यूट्रल न्यूट्रल सोच रहे हो, न्यूट्रल है नहीं, ये कटायन और अनायन है, चार्ज आयनिक सॉलिड की बात चल रही है ना, अभी आयनिक सॉलिड में मिक्स कर देंगे इसी को, तो ये बड़े वाले पार्टिकल ज्यादातर क्या होंगे, अनायंस होंगे, और स्मॉलर पार्टिकल जो है वो कटायन होगा। तो अगर परफेक्ट फिट था तो कटायन और अनायन के बीच में कॉन्टैक्ट था, लेकिन अनायन और अनायन के बीच में भी कॉन्टैक्ट था, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाली चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट है, तो ये बहुत खुशी की बात तो नहीं है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर लैटिस एक्सपैंड हुआ तो उससे फायदा क्या हो रहा है, देखो कटायन और अनायन के पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का कॉन्टैक्ट तो अभी भी है, लेकिन अनायन अनायन कॉन्टैक्ट अनायन अनायन कॉन्टैक्ट इज ओवर, नेगेटिव नेगेटिव वालों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी जब जब इस दुनिया में कम होती है तब तब सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इस एक्सपेंशन और डिस्टॉर्शन की आप कोई ऐसी मन में नेगेटिव इवेंट मत बनाइएगा कि बहुत गंदा काम है, यहाँ गंदा और अच्छे की कोई बात ही नहीं है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन इज ऑलवेज फेवरेबल, राइट। तो that was all about triangular void. तो हमने voids in 1D और voids in 2D cover कर लिया है। अब फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, जब हम लोग voids in 3D को discuss करेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे very important tetrahedral void and octahedral void. इसको TV बोला जाता है, इसको OV बोला जाता है, तो ये बहुत important है, and once the analysis of voids is over, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, दो तीन क्लास का काम और है, एंड देन दिस सॉलिड स्टेट चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।